पूजा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचन टू किचन में। आज हम बनाएंगे चिली पनीर, जिसे बनाना बहुत आसान है और इस चिली पनीर को हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं चिली पनीर बनाना। पनीर लिया है 200 ग्राम, जिसे क्यूब में कट कर लिया है। काली मिर्च हाफ टी स्पून लिया है, उसे डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टेबल स्पून लिया है। नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून से भी कम डालेंगे नमक हम। और सारी चीज़ों को स्पून के हेल्प से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे मैं 5 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। सब्जी में मैंने 2 कैप्सिकम, 2 प्याज और 7-8 लहसुन लिया है, 2 हरी मिर्च ली है। तो सबसे पहले हम सब्जियों को कट कर लेते हैं। कैप्सिकम को धो लिया है मैंने अच्छे से, तो प्याज को हम कट कर लेंगे। पहले हम प्याज को बीच से कट करेंगे और एक प्याज में हम 4 टुकड़े करेंगे इस तरीके से। और अब हम प्याज का जो स्लाइस है उसे हाथ से निकाल लेंगे, या आप चाकू से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से हम प्याज के क्यूब निकाल लेंगे अच्छे से, सारे प्याज को कट करके। और जो बीच का पार्ट है उसे हम यूज नहीं करेंगे। तो देखिए, सारे प्याज को का क्यूब मैंने निकाल लिया है। कैप्सिकम को बीच से कट कर दिया और जो बीच का पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे, खाली कर लेंगे। और अब हम कैप्सिकम में 3 टुकड़ा करेंगे लंबे स्लाइस में। और अब हम इसे कट कर लेंगे, आप स्क्वायर या ट्रायंगल शेप इसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैप्सिकम को कट कर लेंगे। देखिए, ट्रायंगल शेप में मैंने कट किया है, आप स्क्वायर भी कट कर सकते हैं। तो सारे कैप्सिकम को इसी तरीके से कट करके मैं रख लेती हूँ। सारे कैप्सिकम कट कर लिया है। अब मैं लहसुन ली हूँ, लहसुन को हल्का सा प्रेस कर दिया और अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। एकदम बारीक कट करना है लहसुन को हमें, तो इस तरीके से सारे लहसुन को कट कर लूँगी। तो देखिए, बिल्कुल बारीक कट किया है। अब मैं मिर्ची को कट करूँगी, तो मिर्ची को हमें हल्का सा चाकू टेढ़ा करके कट करना है। हल्का लंबा स्लाइस होना चाहिए मिर्ची का। इस तरीके से हम मिर्ची को कट करेंगे, आपको पास से दिखाती हूँ ऐसे। मिर्ची को भी कट कर लिया है, सारी सब्जियाँ कट कर ली। और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 इंच अदरक लिया है, इसे साइड में रखते हैं। सोया सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून लिया है, टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून लिया है, कॉर्नफ्लोर 1/2 टेबल स्पून लिया है, इसका हम घोल बना के लास्ट में यूज़ करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। जो हमने पनीर साइड में रखा था उसके ऊपर 1/2 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ मैं। और इसे अच्छे से हम ट्विस्ट करते हुए कोटिंग कर लेंगे, ताकि जो हमने ब्लैक पेपर और लहसुन यूज़ किया है पेस्ट, वो इसमें चिपका रहे और फ्राई करते समय वो ना निकले, उसका स्वाद जो है पनीर में बना रहे। इसलिए इस तरीके से हम मिला लेंगे अच्छे से, कोटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं आप, कोटिंग होगी अच्छे से। अब मैं बैटर रेडी करूँगी, तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 4 टेबल स्पून, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, और कॉर्नफ्लोर लेंगे हम 2 टेबल स्पून। और पानी डालते हुए हम अच्छा से एक बैटर रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक बार में हमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमें ना ही पतला ना ही गाढ़ा बैटर रेडी करना है, तो परफेक्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पनीर को फ्राई करना। तो पनीर को कोटिंग कर लिया अच्छे से बैटर में और गर्म करने के लिए रख दिया था तेल, और अब मैं उसमें डाल दी हूँ पनीर के पकौड़े। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और अच्छे से चारों तरफ से इसे पलटते हुए हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता, हल्का ब्राउन। तो आप देख सकते हैं जो पनीर है वो हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, ये परफेक्ट है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होता है ये। और इसी तरीके से बाकी के जो पनीर है उन्हें भी मैं फ्राई कर लूंगी, और इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। और
और एक मैंने पैन रख दिया अब गर्म होने के लिए। गर्म हो गया है पैन, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, अदरक डाल दिया, लहसुन डाल देंगे कटी हुई और अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। और अब मैं इसमें मिर्ची डाल दूंगी, फ्लेम को हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही हम सारी सब्जियों को कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है सब्जी को। कुछ सेकंड के लिए मिर्ची को भी हमने फ्राई कर लिया है ऑयल में। अब मैं इसमें प्याज के क्यूब डाल दूंगी और अच्छे से चलाते हुए हम इसे भी 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे तेल में। फ्लेम को हाई रखा है, और अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी और अच्छे से चलाते हुए हम शिमला मिर्च को 1 मिनट तक सॉफ्ट होने तक हल्का सा फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट हो गया और आप देख सकते हैं शिमला मिर्च और प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो सॉस डाल देंगे, टमाटो केचप 2 टेबलस्पून डालेंगे, रेड चिली सॉस डाल देंगे 2 टेबलस्पून, आप ग्रीन चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, सोया सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। और अब मैं इसमें विनेगर डालूंगी 1/2 टेबल स्पून और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालते समय ध्यान रखिए कि बाकी सारे सॉस में नमक होता है। और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डाल दूंगी, कॉर्नफ्लोर 1/2 टेबल स्पून लिया था और पानी डाल के अच्छा सा घोल बना लिया था। और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है फास्ट, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाता है एक ही जगह बहुत। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर और अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे हम सब्जी में पनीर को। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए कुक करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं कुक करना है क्योंकि ऑलरेडी पनीर जो है उसे हमने फ्राई कर लिया है और सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो देखिए 1 मिनट हो गया है और हमारा पनीर चिली बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, तो आपको पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है चिली पनीर एकदम। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो आप उसका भी यूज़ कीजिए, मेरे पास नहीं था, पास के मार्केट में अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। पर उसके बिना भी बहुत ही स्वादिष्ट एंड बहुत ही टेस्टी बना है चिली पनीर। जितना अच्छा लग रहा है दिखने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है खाने में, बिल्कुल जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं चिली पनीर सेम है। और आप इसे फटाफट बनाइए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए एज ए स्टार्टर। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में और आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस एंड यमी दिख रहा है ये। तो आप इस रेसिपी को जरूर अपने घर पे एक बार ट्राई कीजिए, ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। अगर आपको मेरी ये चिली पनीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपने घर पे जरूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट द्वारा मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।